फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके क्लास 9 से लेके 12th तक के बीच में आनी है, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आपको। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो पुष्प के ऊपर है कि पुष्प के कितने चक्र होते हैं, आवृत बीजी पुष्प किसे कहते हैं और अनावृत बीजी पुष्प में मतलब क्या अंतर होता है, ये सारा कुछ हम जानने वाले हैं। सो यहाँ पे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हम जानेंगे, जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है वो क्या है। तो हम जानने वाले हैं ना कि जो पुष्प होते हैं पुष्पों में कितने चक्र पाए जाते हैं और कौन कौन से होते हैं, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, हम यहाँ पे जानेंगे उसके बारे में डिटेल। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करके बता देता हूँ, आशा करता हूँ आप लोग तैयार हैं। आप लोग को दिख रहा है, बराबर दिख रहा है? ओके तो ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया पुष्प का, राइट। आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि पुष्प जो होते हैं आवृत बीजी पौधे जो होते हैं, आवृत बीजी पौधे कौन से होते हैं, वे पौधे जिनमें चार चक्र पाए जाते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, वे पौधे जिनके अंदर कितने चार चक्र पाए जाते हैं। वो चक्र कौन कौन से होते हैं, पुष्प के चार चक्र कौन कौन से होते हैं, वायदल, दलपून, पुमन और। तो यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए लिख दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट बनाते रहिए। पुष्प के चार चक्र होते हैं, पुष्प के चार, आशा करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा, चार चक्र होते हैं। पहला, ठीक है, पुष्प के चार चक्र होते हैं, पहला कौन सा होता है, दूसरा दलपुंज और तीसरा उमंग और चौथा जायान। ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और नोट कर लीजिए, राइट। तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया, और एक चीज और जान जाइए कि पुष्प के चार चक्र होते हैं कौन कौन से, वायदल, दलपुंज, पुमंग और जाया। तो ये पुष्प जो होते हैं इनके कौन से चक्र कहाँ होते हैं इसके बारे में हम डिटेल जानने वाले हैं। तो पहला चीज, ये जो होता है ये वायदल कहलाता है, क्या कहलाता है, वायदल। केवल एक को अपन दल बोलते हैं, राइट, लेकिन पूरे को वायदल पुंज बोल सकते हैं, एक को दल बोलेंगे और पूरे को दल पुंज बोलेंगे। और ये वाला आपको जो दिख रहा है ये वाला, ये पूरा का पूरा भाग, यानी कि यहाँ से लेके ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर में ये उमंग का है, किसका है, उमंग के भी तीन भाग होते हैं। जी हाँ, वो कौन कौन से अभी मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। पुमंग के कितने भाग होते हैं, तीन। उसके बाद अगला आता है जायान, कौन सा, जायांग। तो जायांग जो होता है ये वाला भाग आप लोगों को दिख रहा होगा, यानी यहाँ से लेके ये जो बना हुआ है ये पूरा का पूरा, ये पूरा क्या कहलाता है, जायांग। जायांग के भी कितने भाग होते हैं, वाओ वेरी गुड। तो आप लोगों को ये सब अच्छे से याद हो जाए, इसके लिए मैं इसको अभी डिटेल में लिखवाऊंगा कि जो उमंग है, उमंग के तीनों भाग कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम अभी जानने वाले हैं। और दूसरा जो आप देख पा रहे हैं जायांग, तो इसमें पुष्प में एक चीज़ और आता है, ध्यान रखिएगा, वो क्या, वो ये है कि इसमें जो होता है दो सहायक चक्र होते हैं और दो आवश्यक चक्र होते हैं, सॉरी, सहायक चक्र जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ये वायदल आप देख पा रहे हैं और
दलपुंज जो होते हैं वो क्या होते हैं? सहायक चक्र होते हैं, लेकिन इसमें दो जो होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, वो आवश्यक चक्र बोले जाते हैं, नेसेसरी पॉइंट। तो इसमें जो होते हैं पुष्प में आवश्यक चक्र कौन कौन से है पता है आप लोगों को? उमंग और जायान। ध्यान रखिएगा ये दो जो है ये आवश्यक चक्र है, ये आवश्यक चक्र है पुष्प के लिए, पुमंग और जायान। जो पुमंग होता है ये पुष्प का नर भाग होता है, कौन सा? नर भाग। और जायांग जो होता है ये पुष्प का मादा भाग होता है, राइट। इसके अंदर मेल गैमेट्स का निर्माण होता है और इसके अंदर फीमेल गैमेट्स का, मतलब कि मेल के अंदर से मेल गैमेट्स आते हैं और फीमेल के अंदर से फीमेल गैमेट्स, राइट। तो अब इसके बारे में हम डिटेल जानने वाले हैं। अब इसके जो होते हैं तीन भाग होते हैं, कितने? तीन भाग। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो पहला है आप इसको बोल सकते हैं पराग कोश कहलाता है, क्या कहलाता है? पराग कोश। ये जो गोल वाला पॉइंट आप लोग देख रहे हैं ना, ये क्या कहलाता है? पराग कोश। लेकिन इसके बीच में आप लोगों को ये लकीर दिख रही है क्या? ये क्या कहलाती है? संयोजी कहलाती है, क्या कहलाती है? संयोजी। और ये जो भाग आप देख पा रहे हैं ये तंतु कहलाता है, क्या कहलाता है? तंतु या पुतंतु कहने बात एक ही है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं यानी आपने हमने किसका लिया? पुमंग का पूरा फिगर लिया। पुमंग के कितने भाग होते हैं? कौन कौन से? राइट, सही बोल रहे हैं आप लोग। इसके कितने भाग होते हैं? तीन। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि पराग कोष के अंदर पराग कण होते हैं, छोटे 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 क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। तो पराग कण जो होते हैं वो पराग कोष के अंदर पाए जाते हैं। और दूसरा चीज ये आप जो देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जायांग है ना, जायांग को स्त्री केसर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्त्री केसर भी हम जायांग को स्त्री केसर भी बोलते हैं, किसको? जायांग। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा स्त्री केसर या जायांग बात एक ही है, ठीक है। इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं, देयर आर मेनली टाइप थ्री, राइट। यहाँ पे तीन मुख्य इसके टाइप होते हैं इसके भी। ये वाला जो पॉइंट आप लोग को दिख रहा है ये वर्तिकाग्र कहलाता है, क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। और ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये क्या कहलाता है? वर्तिका। और ये जो अब यहाँ से ये तो ये वाला था इसका पॉइंट, ये वाला हिस्सा आपने देख लिया क्या कहला रहा है, और ये वाला भी हिस्सा आपने देख लिया क्या कहला रहा है, ये क्या कहला रहा है? वर्तिका। लेकिन ये जो गोल वाला आपको ये दिख रहा है संरचना, ये देखिए एक हो गया भाग, ये दूसरा भाग, मतलब ये वाला जो हो गया ये एक, और ये यहाँ से यहाँ तक दूसरा भाग, और ये जो आपको गोल वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गोल वाला स्ट्रक्चर जो है वो अंडाशय कहलाता है, ओवरी कहलाता है, राइट। क्या कहलाता है? अंडाशय। अंडाशय के अंदर तो अंडाशय के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है अंडाशय के अंदर, और उसमें छोटे 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 एग सेल होते हैं, अंडाणु होते हैं, क्या होते हैं? अंडाणु। अंडाशय के अंदर एग सेल या अंडाणु होते हैं, अंडाणु होते हैं, क्या होते हैं? अंडाणु। थोड़ा चौक इधर उधर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अंडाशय के अंदर क्या होते हैं? एक सेल। तो अब ये आपने देख लिया कि जो उमंग होते हैं उसके कितने भाग होते हैं? तीन। कौन कौन से हैं? ठीक है। उसके बाद आपने देखा जायांग जो है या स्त्री केसर, उसके कितने भाग हैं? तीन। कौन कौन से? हाँ, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब हम जानेंगे इसके बारे में कि कैसे ये अंकुरित होते हैं। तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, बाद में भी आपको प्रैक्टिकली दिखा के समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये जो पराग कोष दिख रहा है इसके अंदर पराग कण होते हैं, क्या होते हैं? पराग कण जो होते हैं वो पराग कण किसी कीट के द्वारा, किसी
फतंगे के द्वारा या फिर हवा के माध्यम से या तो स्वतः उनका स्फुटन होता है। स्फुटन होने के बाद वो जैसे फटते हैं, फटने के बाद उनकी जो इनमें जो पराग कण होते हैं वो पराग कण यहाँ पे आते हैं, कौन से पॉइंट पे? हाँ, तो ये यहाँ से जब पराग कण निकलते हैं, पराग कण निकल के कहाँ आते हैं? वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र पे आने के बाद यहाँ पे एक नलिका बनती है, एक ऐसे कुछ नलिका बनती है और वो यहाँ के यहाँ पे मिलती है, जिसको हम पराग नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पराग नलिका। पराग नलिका, पराग नलिका का निर्माण करती है, पराग कण पराग नलिका का निर्माण करते हैं, राइट। उसके बाद जब पराग नलिका बनती है वो आके यहाँ से अंकुरित होते होते धीरे धीरे अंडाशय के अंदर जो होते हैं अंडाणु उनसे फ्यूज कर देती है। और आपको मैंने पहले बताया था लैंगिक जनन में कि जब मेल गैमिट्स फीमेल गैमिट्स आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, राइट, है ना। जब नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है। तो जैसे ही इनका निषेचन होना आरंभ होता है, इनमें आप जानेंगे दो सहायक कोशिकाएं होती है, एक मात्र कोशिका होती है। वो क्लास 12 में मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ, अभी तो ये बेसिक चल रहा है ना, तो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि एक मात्र कोशिका होती है, दो सहायक कोशिकाएं होती है और वो कैसे फ्यूज करते हैं। हम लोग इसको जूम करके इसको और अच्छे से डिटेल इसके बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ पे आप इतना जान जाइए कि यहाँ पे जैसे वो फ्यूज करते हैं, फ्यूज करने के बाद अंडाशय वाला भाग ना, अंडाशय वाला भाग फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वो कैसे होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ लेके आया हूँ, ये है आप लोगों के लिए, राइट। चलिए इसको मैं दिखाता हूँ। अब ये देहाती भाषा में चाहे आप जो कहते हो, चाहे जिस चीज़ का भी फ्लावर कहते हैं, देखिए कितने ब्यूटीफुल इसमें पुष्प निकले हुए हैं रंग बिरंगे। ये मैंने एक और लेके मतलब आया हूँ पुष्प, इसको मैं दिखाने वाला हूँ, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इनका कैसे ये कैसे फल के रूप में चेंज होते हैं। पूरा का पूरा ये जो अंडाशय है ये कैसे बीजांड के रूप में तैयार हो जाता है, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं पुष्प का, आशा करता हूँ कि आप देखेंगे, दिख रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे इसके ये वाले पार्ट जो है वह दल की तरह दल इसके जो ये निकले हुए हैं, देख रहे हैं आप लोग, ये पंखुड़ियाँ निकली हुई हैं। पंखुड़ियाँ निकलने के बाद इसके बीच में एक आप और स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं जो ये कुछ ऐसे निकला हुआ है, अभी आपको मैं डिटेल दिखा रहा हूँ। ये जो बीच में निकला हुआ है ये कौन सा भाग है? जायांग। पूरा का पूरा जायांग है। देखिए मैं आपको इसको थोड़ा यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए बीच में से जायांग निकला हुआ है। ये पूरा ये जो सीधे वाला भाग आपको दिख रहा है ये क्या है? जायांग। और जायांग के ऊपर आप लोगों को पता नहीं, ज़्यादा जूम करके मैं नहीं दिखा सकता, जायांग के ये ऊपर वाले हिस्से में बहुत बारीक बारीक कलर का आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए इसका मैं फूल को तोड़ के ही दिखाता हूँ। मैंने तोड़ लिया, अब इसको देखते हैं। देखिए ये फूल है, फूल के बीच में क्या निकला हुआ है? जायांग। और जायांग के बीच में पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं। दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि ये जो दल आप देख पा रहे हैं, दल के बीच में ये वाला भाग पूरा का पूरा जिसको हम स्त्री केसर बोलते हैं या जायांग, है ना, ये पूरा का पूरा देखिए निकला हुआ है बीच में। और ये बीच में निकलने के बाद यहाँ पे आप छोटे छोटे गुच्छों के रूप में देख पा रहे होंगे, ज़्यादा जूम करने पे क्लियरिटी नहीं आ रही है क्योंकि पुष्प काफ़ी छोटा है, मैं आपको बड़े पुष्प में दिखाने का प्रयास करता हूँ। चलिए आशा करता हूँ ये पुष्प आपको दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है ना। तो अब इस पुष्प में हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। तो ये आप बहुत सारी पंखुड़ियाँ नीचे निकले हुए देख रहे हैं, उसके बाद बीच का भाग जो है ये देखिए गोल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये वाला स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर का जो चीज़ होता है मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, वो देखिए कुछ ऐसे, ये आप छोटे छोटे देख पा रहे होंगे अभी इस समय, ये वाला भाग है, ये पूरा का पूरा ये गोल वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना,
यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी स्त्री केसर या इसको हम जायांग बोल सकते हैं। अब इसके द्वारा इसके बीच में होल है, इसके बीच में ये होल है, ज़्यादा जूम करके नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि आपको पता है फूल काफ़ी छोटा है, तो उस वजह से इसको ज़्यादा जूम हम नहीं कर सकते। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको इसके माध्यम से समझाना चाहूँगा कि ये छोटे छोटे पुष्प निकलते हैं, निकलने के बाद आप लोग ये देखिए, यहाँ पे देखिए किस माध्यम से, अभी यहाँ पे बहुत सारी कलियाँ लगी हुई हैं, बहुत महीन महीन छोटे छोटे, आप लोग को आशा है कर रहा हूँ कि दिख रहा होगा, यहाँ पे देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे कलियाँ लगी हुई हैं, और ये अपरिपक्व मैच्योरिटी इनके अंदर नहीं है। ये ऊपर वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, पॉइंट देख रहे हैं, इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन ये नीचे आप देखिए, पहले ये पुष्प के माफी किए जैसे निकले हैं, ऐसे ही सारा प्रोसेस हुआ। मैंने आपको बताया कि अंडाशय जो होता है वो फल के रूप में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सब, ये छोटे छोटे जो है ना, ये देखिए ये छोटे छोटे जितने भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं इसमें, ये सब परिपक्व हो चुके हैं। और ये परिपक्व होने का इनका यही रीज़न है कि पहले ये फूल निकला, जैसे ये फूल आप देख पा रहे हैं, फूल निकलने के बाद इनके अंदर ये फूल पे जो आप देख पा रहे हैं ना, मैंने बताया पराग कोष के अंदर से परागकण निकल के यहाँ पे आते हैं वर्तिकाग्र पे, यहाँ से पराग नलिका बनाते हैं, और ये पूरा का पूरा भाग, अंडाशय का पूरा भाग किसमें चेंज हो जाता है, हाँ ये अंडाणु वो युक्त एक फल का रूप ले लेता है। जैसे आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा परिपक्व भी फल बन चुका है। अब इसको मैं आपको खोल के दिखाने का प्रयास करता हूँ, ये मैंने तोड़ लिया, अब इसको मैं आपको निचोड़ के दिखाना चाहूँगा, निचोड़ के आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ कि ये छोटे छोटे बीजों के रूप में, मतलब ये जो भी है इनका फल वो रेडी हो चुका है। आप मेरे हाथ पे देख पा रहे होंगे कि ये छोटे छोटे, ये देखिए अब ये पूरा का पूरा बीज बन चुका है, फल बन चुका है, ये पूरा का पूरा फल बन चुका है, बीज बन चुका है। मैं आप कुछ और दाने ले लेता हूँ, ठीक है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये छोटे छोटे आप जो देख पा रहे हैं, ये देखिए कई खंडों में, अभी ये देखिए जो पुष्प वाला भाग था वो देखिए बहुत सारे इसमें जो है वायदल लगे हुए हैं, उसके बाद ये अभी फल के रूप में बदल चुका है, पूरा का पूरा हिस्सा ये जो है फल के रूप में पूरा मैच्योरिटी इनके अंदर आ चुकी है। मतलब हमारे कहने का ये मतलब है कि जब पुष्प निकलते हैं तो उनमें छोटी छोटी कलियां निकलती हैं। पहले ये देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला पॉइंट है ना, ये सहायक होते हैं, पुष्प में केवल सहायता करते हैं और बहुत विशेष इनका कोई काम नहीं होता है, ये पुष्प में केवल और केवल सहायता करते हैं। और इनके अंदर जो ये होता है भाग, यानी ये गोल वाला भाग, इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ संरचना, बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो में। देखिए मैं अंदर का ये भाग खोल के दिखा रहा हूँ, ये देखिए दिख रहा है कुछ, आशा कर रहा हूँ अब आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। मैंने इस पुष्प को ओपन किया, ओपन करने के बाद ये देखिए अभी पुष्प ये कुछ ऐसे कवर था, कवर करने के बाद इसको जब मैंने खोला, ये देखिए छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं, ये आपको क्या दिख रहे हैं, ये देखिए ये पूरे पॉइंट जितने भी हैं है ना, उमंग के जितने भी हैं, ठीक है, ये सारे के सारे, अब ये देखिए छोटे छोटे देखिए दिख रहे हैं आपको, ये पराग कण होते हैं, ये पराग कोषों के अंदर, और एक को जो है पुमंग बोलते हैं, और ये जैसे ये होता है इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि इसके भी तीन भाग होते हैं, इसके भी कितने भाग होते हैं, तीन, वो तीनों मैंने अभी डिटेल में आपको बता दिया कि ये जो पूरा का पूरा है वो तीन, आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है इसको, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया, अभी मैंने क्लियर कर दिया है ना। और तो इसमें आप लोगों को मैंने पूरा स्ट्रक्चर बता दिया, ये केवल और केवल बेसिक था, जी हाँ ये बेसिक था, और आप चाहे 9th में हो या 12th में हो, आप ज़रूर इसका नोट बनाइए और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करिए। अभी तो मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, जब मैं चैप्टर वाइज वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा तो उसमें आप लोगों को पूरा का पूरा समझाने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आया है, जिससे मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा, तो आपको आगे का वो जो भी आपको डाउट है या प्रॉब्लम है उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा।
नए वीडियो में मिलते हैं इसी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।